ग्वालियर में 12 साल के बच्चे को ब्लैकमेल कर उससे चोरी करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने पहले सराफा कारोबारी के बेटे के न्यूड फोटो खींच लिए, इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए घर से जेवर और नकदी चोरी करवाए। 6 महीने में आरोपी करीब 31 लाख रुपए के जेवर और नकद चोरी करवा कर हड़प चुके हैं। मामले में बुधवार को बिलोआ थाने में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिलोआ के रहने वाले सराफा कारोबारी ने थाने में शिकायत की है कि उनकी बिलोआ में ज्वेलरी की दुकान है, यहाँ 12 साल का भांजा और उनकी बहन बैठते हैं। बच्चे के माँ को पति ने 2012 में डिवोर्स दे दिया है, बच्चे को मामा ने गोद ले लिया है। यही कारण है कि बच्चा 1 साल की उम्र से मामा के यहाँ रह रहा है। अभी वह 8वीं में पढ़ता है। बच्चे के मामा के मुताबिक 6 महीने से घर और दुकान से पैसे और जेवर गायब हो रहे थे, काम की व्यस्तता में ध्यान नहीं दिया। करीब 40 दिन पहले 2 साल के बेटे की तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो दिल्ली ले जाने की सलाह दी। दिल्ली जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। दुकान और घर आकर देखा तो अलमारी में से जो है 7.5 लाख रुपए गायब थे। ये रुपए दुकान खरीदने के लिए रखे थे। बहन और भांजे से पूछताछ की तो भांजे ने रोते हुए जो कहानी बताई उसे सुनकर हैरान रह गए। तलाशी में उसके पास से सोने चांदी के जेवर भी मिले। पिछले 6 महीने से बच्चा ब्लैकमेलिंग का दर्द झेल रहा था।